हाँ अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है तो भाई अपन ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे थे। तो देखो अभी मेरा ना मेरा हाइप काफी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है इस मूवी के लिए, बिकॉज यार ट्रेलर्स और क्लिप्स जितने भी मैंने अभी वापस से बिंज वॉच मारे पता है थोड़ी देर पहले, और उसके कारण मेरी हाइप अच्छा नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। हाँ अच्छा अच्छा और भाई मेरा पूरा प्लान भी बन रहा भाई गोला बना के जाने का। एक्चुअली ऐसा है मैं ट्यूशन जाता हूँ वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है लाइक फ्रेंड्स हैं एक दो पहचान के लोग हैं सिर्फ, उन लोगों के साथ तो हो सकता है प्रोबेबली मैं 6-7 लोगों के साथ मिलके कुछ दिन बाद मूवी देखने के लिए जाऊंगा, जो कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है मेरा और भी ज्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि दोस्तों के साथ जाना में और मजा बिल्कुल आता बिल्कुल, दोस्तों के साथ तो है। भाई कि मूवी कितनी भी बेकार हो कितनी भी अच्छी हो, यू विल एंजॉय, जस्ट एंजॉय। और ये फैक्ट है भाई, तुम जब फैमिली के साथ जाते हो तो उतना एंजॉय नहीं करोगे चाहे कितने ही तुम्हारे एज के लोग हो, नहीं, भाई दोस्तों के मैंने साथ। खुद ट्राई किया है। मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस गया था दोस्तों के साथ देखने, तो मेरे मैं को उसमें अपनी ज्यादा मजा आया था बजाय नो वे होम के। भाई नो वे होम भाई में क्या है ना, मेरे पापा गए थे मेरे साथ, मेरे को उतना मजा नहीं आया। तो तुम अपने पापा के साथ नोवे होम देखने क्यों गए? अरे यार क्या करें, बच्चा है मेरा, ऐसे करके मतलब वही है ना, भरोसा नहीं है अपने बच्चे पर। सीरियसली ओके लाइक योर चॉइस ऑफ कोर्स। मैं भी जाता, मैं वंडर वुमन 1984 देखने गया था क्योंकि उनको भी पसंद आ रही थी, पापा को पसंद आ रही थी वो मूवी, इसलिए उनके साथ गया था मैं। एंड ही मेरे से ज्यादा पसंद आई उनको, पता है बेस्ट पार्ट इस चीज का ये उनको ज्यादा पसंद आई। होता है यार, होता है, लेकिन वही है ना, और डॉक्टर सिंह का एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे हम। भाई भाई तो यार मैं भी मेरे भाइयों के साथ गया था देखने के लिए, और वो तो भाई मजे ले रहे थे पिक्चर, लिटरली रोस्ट कर रहे थे उस मूवी का, रोस्ट समझ लो तुम। पता है मेरा यही कंसर्न है, ब्रह्मास्त्र हाँ सॉन्ग्स को अच्छे से यूज करे, हाँ ऐसा फील ना ब्रह्मास्त्र हो कि सॉन्ग, लेफ्ट आउट है सब कुछ। हाँ देखो एक तो मेरे को पता है एक सॉन्ग तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस जाएगा और उसका नाम है डांस का भूत नहीं होने वाला, वो Did बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस रहेगा। hear it right? तुमने कुछ और कहा मैंने कहा था डांस का भूत, उसके पहले कुछ निकल सकता था ऐसा, बट नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा, ओके, मैं बोल देता हूँ, म्यूट कर ठीक देना डांस की है ये बंदा खुद, मैंने बोला नहीं था ठीक है, जो भी देख रहे हैं मैंने बोला नहीं था, इस बंदे ने बोला है, ये है अश्लील आदमी, ये है अश्लील इंसान। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे को बॉयकॉट मत करना। हैशटैग हाँ, ये बात दिमाग में रखना, देखो हैशटैग आचल अश्लील, ठीक है ट्रेंड करवा दो अरे यार पहले तो अच्छा बोल दो, तुम आचर को अच्छा बोल रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है। सीरियसली यार। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं, कुछ ज्यादा ही भटक गए। मैं कह रहा था कि भाई हाँ फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, और देखो मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ गया था एंड गेम देखने, ठीक है तुम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गए थे, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही लाइक ऑफ कोर्स क्या बोल रहा हूँ मैं, एंड गेम जब आई थी तब थर्ड डे आई थिंक, हाँ थर्ड डे पे गया था मैं मेरे फ्रेंड के साथ में। और क्या मतलब वैसे तो उसका एक्सपीरियंस ही था, इतना अपलिफ्टिंग मूवी थी वो कि भाई बस सीट पे से उछल के चिल्लाने की इच्छा होती है हर सीन में, हर सीन में। तो वो तो था ही एक गजब पिक्चर थी वो, लेकिन दोस्त के साथ गया था ना तो वो और मजा आया। इनफैक्ट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो हम भाई बहुत ही ज्यादा हाइप फील कर रहे थे, और बाहर आने के बाद हम कितनी देर तक पूरी एक जो गीकी टॉक रहती है ना, जो यूट्यूबर्स बात करते हैं अपन लोग जिस तरह की बातें करते हैं अपन मूवीज से रिलेटेड एकदम ईस्टर एग्स वगैरह डिस्कस हाँ करते हैं, वैसी बातें हम दोनों कर हाँ रहे थे भाई पूरा टाइम, और नहीं मार्वल सही यार, मैगजीन की बातें। वही मैं तो हम भी प्लान करूंगा अगर अगर मूवी अच्छी होती है तो। हाँ देखो भाई एक दो फ्रेंड्स के साथ भी गए ना तो भी तुमको मजा आएगा, मैं कह सकता हूँ कोई सी भी मूवी हो यार एक फ्रेंड के भी साथ जाओ ना तो मजा आ जाता है। अरे साले चोर भूसे के कभी मानेंगे इन साले कुत्ते। भाई मैं समझ रहा हूँ तुम दोस्तों की बात कर रहे हो, उनको गालियां देना काफी नॉर्मल बात है, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यार, थोड़ी मर्यादा से रखिए, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? थोड़ी सी मर्यादा मैं रखिए, अज्यूम कर रहा हूँ यू विल म्यूट इट, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, म्यूट कर दो। मैं कर दूंगा वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन भाई लोगों को समझ में आ जाएगा तुम क्या बोल रहे हो। एक बात बता रहा हूँ भाई, ये अनकट होना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं ना, अनकट। ठीक है नहीं
ये जो मैंने बोला है ना, ये बोल रहा हूँ, ये भी होना चाहिए वीडियो में। अच्छा चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए पूरा अनकट डालेंगे, नहीं लेकिन अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और घटिया चीज ना निकल जाए मुंह से, ठीक है? यस यस यस, पर ठीक चला है फिर मेरे को श्वेता भाई की तरह वीडियो बनानी पड़ गई। मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है कि ये प्रखर के प्रवचन से पता है। हेलो हेलो, हेलो। क्या हो गया था? अरे ब्रो, अचानक से हॉटस्पॉट जो मोबाइल का वो होता है ना, ऑफ हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे। फिर मैंने स्विच ऑफ करके स्टार्ट किया। मैं पैनिक हो गया भाई, तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मेरी आंचल? अरे इस आंचल वाला जोक भाई ये क्लासिक बन चुका है मेरे लिए तो भाई। पर सुनो, वापस से ब्रह्मास्त्र पे आते हैं, टाइटल तो मैं ब्रह्मास्त्र का ही डालूंगा, उसके बारे में बात भी तो होनी चाहिए। स्टेप अप करते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। अपना ओपिनियन दो, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। चलो पहले तुम दो। देखो ऐसा है, मैंने वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी देख ली है, दोनों मूवीज मेरे को पर्सनली अच्छी लगी हैं, और जो डायरेक्टर का एक बेसिक थिंकिंग है वो मेरे को पसंद है, क्योंकि ये जवानी है दीवानी और वेकअप सिड दोनों ही मिलके यूथ को एक अच्छा मैसेज देने में सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोनों मूवीज देखो, ये जवानी है दीवानी तुमको सिखाती है कि चाहे कितनी बकवादी कर लो, तुमको एक ना एक पॉइंट पे आके सीरियस होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। और वेकअप सीड भी यही तुमको सिखाती है कि भाई तुम कितनी बकैती कर लो, बेरोजगार की तरह घूम लो और बाप के पैसे पे याशी कर लो, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और वो वैसा वाला इंडिपेंडेंट नहीं है जो दिखाते ना कई शोज में कि भाई इंडिपेंडेंट मतलब क्या, तुम भाई काफी सारे पार्टनर्स तुम्हारे हो गए, या फिर तुम टाइम पास कर रहे हो, कहने के लिए सिर्फ ड्रीम्स को चेज कर रहे हो लेकिन तुम टाइम पास कर रहे हो, वैसे नहीं। लाइक एक्चुअली पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना, उन चीजों की इम्पोर्टेंस दिखाती है मूवी। तो दोनों ही मूवीज अच्छा मैसेज दिखाती हैं, तो एट द एंड ब्रह्मास्त्र भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश जरूर करेगी, कोई अच्छा मैसेज जरूर एट द एंड देगी। तो कुछ लोग अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र कुछ गलत सिखाएगी लोगों को या फिर जनता को एक बुरा मैसेज देगी, तो नहीं, अयान मुखर्जी का पहले का काम देख के मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत सिखाएगी। पर अब क्योंकि धर्मा प्रोडक्शंस है और पिछले 10 साल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा है, पर हो सकता है यहाँ पे कुछ घुसा दिया हो, मैं नहीं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर फिर भी आयान मुखर्जी है तो मेरे को इतना तो श्योर है कि मैसेज तो अच्छा ही देगी पिक्चर, कुछ बुरा नहीं सिखाएगी लोगों को। ओके हाँ, फिर जो एनिमे वाली बात मैं तुमसे पहले भी कही थी, यहाँ पे वापस रिपीट करना चाहूंगा, वेकअप सेड देखते टाइम मेरे को सही में ऐसा लग रहा था जैसे योर नेम जैसे एनिमे रहता है ना, या फिर रेज्ड, इस टाइप कुछ एकदम लाइट हार्टेड एनिमे रहते हैं जिनका फील पूरा लाइट हार्टेड रहता है, वैसे डेप्थ रहती है उनमें पर एक जो लाइट हार्टेड टोन रहता है वैसा टोन मेरे को वेकअप सेड का लगा, बिल्कुल एक एनिमे मूवी की तरह। और एंडिंग में और बाकी सीन में इस तरीके से रेनी सीजन को प्रेजेंट किया उन्होंने, मुंबई का जो रेनी सीजन है वो भाई बिल्कुल एनिमे जैसा ही लग रहा है। एनिमे में तो भाई रेनी सीक्वेंस इतने ज्यादा प्यारे रहते हैं, तुमको एंटिसिपेशन देती है पिक्चर कब रेनिंग सीन आएगा, और फिर जब रेन होना शुरू होती है तुम पूरा एंजॉय करते हो उस चीज को। और यहाँ पे भी बारिश को उतने ही बढ़िया वे में उन्होंने हाइप भी दिया है, एंटिसिपेशन दिया है, और एंडिंग में जब बारिश होती है वो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वो सीन सच में ब्यूटीफुल है। तो एक तो कह सकते हैं कि अयान मुखर्जी लाइव एक्शन एनिमे बनाने की कोशिश करता है, उसी टाइप की फील कैरी करने की कोशिश करता है, और ब्रह्मास्त्र को देख के मेरे को वैसा ही लग रहा है ट्रेलर्स वगैरह से कि भाई बिल्कुल आने में जैसे ही लग रहा है ना भाई, कितने एपिक सीन्स है, बिल्कुल चिल्ला रहे कैरेक्टर्स, पावर अप हो रहे हैं, और भाई एकदम एनर्जी वाली पावर्स, जो एनर्जी सोर्स वाले भी इफेक्ट्स रहते हैं वो चीज है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अपने को ड्रैगन बॉल ही देखने को मिल रहा है वेकअप सेट में, अपने को योर नेम या फिर योर लाइन अप्रैल या फिर वेदरिंग विद यू टाइप के एनिमे जैसा फील दिखता है, विच इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने में अयान मुखर्जी सक्सेसफुल तो है, देखिए एटलीस्ट लुक और फील वाइज तो वो बंदा काफी सक्सेसफुल है। भाई मैं तो इससे यही कहूंगा, मेरी है फिंगर्स क्रॉस्ड। और मेरे जो निहायती गली के कीड़े भोपड़ी वाले मान जाए तो देखने चलेंगे, वरना मेरा नहीं है प्लान। भाई क्या करूँ यार, दुख है।
सहलेंगे थोड़ा सा, सहलेंगे थोड़ा सा, अंडरस्टैंडेबल। लाइक हर मूवी तो देख नहीं सकता ना इंसान, एक एक ही मूवी देखेगा एक बार में। भाई तो मेरी फैमिली मारेगी मेरी जूते, मैं ऑलरेडी दो मूवी देख चुका हूँ इस साल। भाई अब देखो मेरा भी ऐसा ही है, जब ऐसे प्राइस वाइज थोड़े कम होंगे। मैंने सुना है 16 सितंबर को ऐसे प्राइस 75 रुपीज का कुछ रहेगा टिकट, तो तब जाऊंगा मैं देखने, क्योंकि हाँ उस दिन फालतू का देखेंगे, पैसा प्लान तो चले के झाड़ पे नहीं बने पड़ा हुआ। अगर। सॉरी मैं क्या बोला अभी ने, झाड़ पे नहीं उग रहे पैसे। वो जो बोलते हैं पेरेंट्स अपने को, अब मेरे को भी उन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है। होगा ही ना, बड़े होंगे तो अक्ल तो आएगी, सभी में आती है। बिल्कुल यार, 250-250 रुपए की टिकट है, मजाक थोड़ी है भाई। मतलब मेरे यहाँ पे भी पता है, तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में अर्ली बुकिंग शुरू हुई थी ना, एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, तब 150 रुपए का टिकट था फर्स्ट शो का। अभी चेक कर रहा हूँ 170 का हो गया है, क्योंकि थिएटर भर रहा है वो अरे वाला। तो बीस मैं चेक करता हूँ एक बार रुपए बढ़ा अपना। दिए। हाँ हाँ वही है। तो पैसे भी पैसे उग नहीं रहे हैं झाड़ पे, लेकिन देखने की इच्छा है तो कोशिश करेंगे। और ऊपर से फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा तो शायद से मान भी ओए जाएंगे ओए फालतू ओए में। ओए, चैनल को सब्सक्राइब करो, पैसे अगर उगाना चाहते हो हमारे पेड़ पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। यस, सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स हो और हम लोग को पैसा मिले, ताकि हम तुम्हारे लिए मूवी देख के रिव्यू कर सके। मैं जानता हूँ काफी बेशरम हूँ, मैं वीडियो डाली नहीं है 1 महीने से, फिर भी बोल रहा हूँ। ओ एक मेरे महीने यहाँ की शादी बुकिंग दो चालू दिन हो में गई है होने भाई, वाली है भाई भाई, मैं तुम्हें बहुत बुकिंग कर बोलता रहे हैं मेरे यहाँ लोग, बुकिंग हूँ। हाँ चल रही है अच्छी। अच्छा, हाँ मेरा एक फ्रेंड और है मेरे उसको यहाँ मैंने पूछा, अरे बोल रहा है मैंने पहले ही 3 दिन बाद की टिकट बुक कर ली है। हाँ मेरे यहाँ भी यही हाल आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये मेरे यहाँ की टिकट पता है 250 रुपीज की है। अरे भाई मेरे यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस है 230, मतलब एक एकदम सेम ही इसमें चल रहा है सारी जगहों पे। मेरा 280 है हाईएस्ट हालांकि प्राइस। अभी, और पता है कितनी फनी बात बताता हूँ तुमको, मेरे जो इधर 2D के शोज हैं और 3D के शोज हैं, दोनों में ज्यादा पैसे का डिफरेंस नहीं है। हाँ मेरे यहाँ भी हैं 2D के, 3D के देख 2D 3D के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है शो के, तुम समझ रहे भी। हो? अरे अरे हाँ, मेरे यहाँ भी करीब 30-40 रुपए का डिफरेंस है। लाइक मेरे यहाँ पे जो 230 का शो दिखा रहा है मेरे को, एकदम रात वाले जो शोज रहते हैं ना, जो शाम के और रात के शोज रहते हैं, वहां पे प्राइस उन्होंने दिखा रखा है 230 रुपए कुछ। और उसी सेम आसपास के टाइमिंग के जो 2D शोज है उनकी प्राइस 190 है, विच इज क्या बोलूं मैं, 3D और 2D में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है भाई, 40 रुपए का डिफरेंस है बस। अब ऐसे में कोई भी बंदा सोचेगा यार तो 3D चलते हैं ना, काफी स्मार्टली उन्होंने सारी चीजें प्लान किए ताकि इनको ज्यादा पैसे मिल जाए कुछ भी करके। पर हाँ फिर भी लोग हाइप्ड हैं, और मेरे को पहले भाई डर यही लग रहा था कि कहीं बॉयकॉट के चक्कर में ये मूवी पिट ना जाए, इसको स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बुरा लगेगा। पर स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स देख के अब मेरे को पता चल रहा है ऑडियंस ने इनको पूरी छूट दे रखी है। कह ठीक है चलो, फिर अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है, मजे आए हैं, तो लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हम लोग और अपलोड करेंगे, ट्राई करेंगे और भी ज्यादा अपलोड करने की, पर अभी के लिए सब्सक्राइब करो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, खत्म गया।